में बहुत जोर से शायरी आ रही है, चलो सुनाता हूँ। वाह मोहन, शायरी है या फिर टट्टी है, ऐसे कैसे जोर से आ रही है? वेरी फनी, अब मेरी शायरी सुनो। तो अर्ज क्या है, संदेशे आते हैं हमें तड़पाते हैं। वेट वेट वेट, पहले तो ये बता भाई साहब, व्हाट्सएप के जमाने में अभी संदेशे कौन लिख रहा है तेरे को? तोबा, इसके भाई आप ना मेरा फ्लो खराब कर रहे हो, शांति से सुनो ना। तो अर्ज क्या है, संदेशे आते हैं हमें तड़पाते हैं, संदेशे आते हैं हमें तड़पाते हैं। और मोहन, तेरे जैसे सस्ती शायरी करने वाले हमारी नजर में बकलोल कहलाते हैं। हाँ तो मेरे भाइयों और प्यारी प्यारी लड़कियों, कैसे हो सारे, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइज, आज की जो वीडियो है भाई, बहुत दिनों बाद, भाई महीनों बाद हम लोग एक न्यू मिथबस्ट एपिसोड लेके आए। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को यार पसंद आएगी ये एपिसोड। और पता नहीं यार मैं बौखला क्यों रहा हूँ, लेकिन 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 गाइज देखो, मिथबस्टर का ये एपिसोड भाई महीनों बाद आ रहा है। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी यार इसको वैसा ही प्यार दिखाओगे जैसा कि पुराने मिथबस्टर एपिसोड में आप लोग दिखाते थे, ठीक है? तो जितना ज़्यादा हो सके इसको लाइक करना, सबके साथ शेयर करना, एंड भाई साहब जो भी नए हो चैनल में तो क्या करो, फटाक से चैनल को सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेट करो, और हाँ कमेंट करके अपने मिस जरूर बताना। लेकिन अभी सबसे पहले भाई बढ़ते हैं वीडियो में आगे और देखते हैं आज के टॉप 10 मिथ्स। चलो भाई, तो यार आज का सबसे पहला मिथ है गेमिंग वर्ल्ड की तरफ से। सो सबसे पहले तो यार बिग शाउट आउट टू हिम, एंड इनका मिथ है, आप जब आर्मी कैंप में माइनर कुक करोगे तब आर्मी कैंप को एक जगह से दूसरे जगह अगर अपन लेके जाते तब माइनर्स अंडरग्राउंड नहीं जमीन के ऊपर से ही जाते। तो यार देखो, हमने बहुत सारे माइनर्स अटैक करे, ठीक है, हाइब्रिड करे, लेकिन कभी मैंने ये चीज़ नोटिस नहीं करा, क्योंकि यार जब भी अपन आर्मी ट्रेन करते थे अपन सीधा अटैक पे जाते थे, ऐसा आर्मी कैंप को इधर उधर खिसकाने का नहीं था। लेकिन आज अपन देखेंगे भाई साहब क्या ये सही में होता है या फिर नहीं। तो गाइस आ चुका हूं मैं अपने टाउन हॉल 10 में, एंड यहां पे मैंने सारे के सारे माइनर्स कुक करके रखे हैं। तो भाई साहब यहां पे देखते हैं कि जब अपन यहां पे आर्मी कैंप को एक जगह से दूसरे जगह लेके जाएंगे तो क्या होगा, यहां पे क्या माइनर्स अंडरग्राउंड होके आएंगे या फिर लाइक कैसे आएंगे, ठीक है? तो चलो यहां पे आर्मी कैंप को प्लेस करते, और ये देख सकते हो भाई साहब सारे के सारे माइनर्स यहां पे ठुमक ठुमक के चल रहे अपनी कुल्हाड़ी लेके। तो अभी वापस से इसको खिसकाते अपन, देखते हैं भाई साहब, थोड़ा जूम करके इस बार देखेंगे, ठीक है? तो यहां पे अपन इसको रखते हैं एंड फिर देखते हैं भाई साहब क्या होता है। तो ये देखो भाई, सही में ये लिटरली भाई ठुमक ठुमक के चल रहे हैं, अंडरग्राउंड होके नहीं जा रहे, क्या बात है। तो देख सकते हो भाई काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार लग रहा है भाई देखने में, देख रहे हो कैसे हिल रहे भाई, ऐसा लगता है कोई वाइब्रेटर लगा दिया इन पे, पूरे शरीर में इनका वाइब्रेशन हो रहा है। तो गाइस आज का हमारा सबसे पहला मिथ, इट इज कंफर्म। तो गाइस अभी बढ़ते हैं अपने सेकंड मिथ की तरफ, एंड ये वाला मिथ है यार फ्रॉजी की तरफ से। सो बिग शाउट आउट टू फ्रॉजी, एंड इनका मिथ है, इफ यू ट्रेन मैस इलेक्ट्रो एंड रेस्ट ऑफ स्पेस बैलून ऑन टाउन हॉल 11 देन वन आर्मी कैंप हैव नो ट्रूप्स, ठीक है? तो ऐसा तो मैंने कभी देखा नहीं है, कभी ध्यान नहीं दिया है, एंड हम में से बहुत सारे लोगों ने ध्यान नहीं दिया होगा, मे बी कुछ लोगों ने ध्यान दिया होगा। तो चलो यार अभी ध्यान दे देते हैं और देखते हैं क्या ऐसा सही में होता है या फिर नहीं। तो गाइस यहां पे आप लोग देख सकते हो मैंने सारे के सारे इलेक्ट्रो ड्रैगन्स कुक करके रखा है, ठीक है, एंड यहां पे जो बचा हुआ स्पेस था वहां पे मैंने लून रखा है, ठीक है? तो अभी अपन को यहां पे देखना है कि क्या कोई आर्मी कैंप यहां पे वेकेंट रहता है या फिर नहीं। तो चलो चेकआउट करते हैं। यहां पे अगर हम लोग ऊपर की तरफ देखें तो यहां पे जो दो आर्मी कैंप है हमारे, यहां दोनों में ही इलेक्ट्रो ड्रैगन्स है, बट ऑपोजिट 6 o'clock पे अपन देखेंगे तो यहां पे एक आर्मी कैंप में इलेक्ट्रो ड्रैगन है एंड एक जो आर्मी कैंप है भाई लिटरली यहां पे खाली पड़ा हुआ है, ठीक है? तो भाई वी कैन से दैट द मिथ इज कंफर्म्ड, बट भाई साहब यहाँ पे ज़रूरी नहीं हम लोग सारे के सारे इलेक्ट्रो ड्रैगन्स ट्रेन करें। अगर हम लोग अपने फर्स्ट आर्मी में 8 इलेक्ट्रो ड्रैगन्स भी ट्रेन करते हैं तो भाई साहब हमारा जो आर्मी कैंप रहेगा ना वो खाली ही रहेगा, ठीक है? लेकिन अगर वहाँ पे हम लोग लून्स यहाँ पे अगर कोई कुक कर दे 8 इलेक्ट्रो ड्रैगन के बाद तो वो लून्स यहाँ पे आर्मी कैंप में आएंगे। आप लोग को यहाँ पे दिख रहा होगा ऊपर से आर्मी कैंप में मतलब जा रहे हैं ये दो लून्स, ठीक है? लेकिन जैसे ही अपन यहाँ पे ये लून्स को रिमूव करेंगे एंड पीछे भी मेरे आर्मी में कुछ भी नहीं है तो भी हमारा एक आर्मी कैंप यहाँ पे खाली रहता है, ठीक है? तो 8 इलेक्ट्रो ड्रैगन कुक करो एंड एक आर्मी कैंप आपका खाली पड़ा रहेगा। ओके, तो गाइस अब हमारा जो थर्ड मिथ है वो है ड्रैगन बॉयज की तरफ से, एंड इनका मिथ है SK 2021 में GF बना लेगा नोट, मिथ नहीं लिया तो मिथ बस्ट हो जाएगा। तो भाई साहब यही सोच के मैंने ये वाला मिथ लिया है, एंड भाई साहब ड्रैगन बॉयज, अगर भाई साहब 2021 में हमारे GF नहीं बनी तो तुम्हारे GF हमारी हो जाएगी, जो तेरा वो मेरा है और जो मेरा है वो मेरा ही है, तुम्हारा नहीं है। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। ओके, तो आज का जो फोर्थ मिथ है वो है नाहिद सुल्तान की तरफ से, एंड इनका मिथ है, अगर हम वार्डन के रेंज के अंदर जायंट को डिप्लॉय करते हैं फिर उस पर रेज डाल के एबिलिटी देते हैं फिर जायंट छोटा हो जाता है, नोट मैक्स वार्डन यूज करना और टेक माई मिथ और योर GF विल ब्रेक अप विद यू। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे।
तो गाइस आ चुके अपन इधर एप्सी में, एंड यहाँ पे मैं आ चुका भाई एक मोटू जैंट लेके, और साथ में भाई 50 साल का बुड्ढा लेके आया हूँ मैं, जैसा कि उन्होंने बोला मैक्स बुड्ढा लेके आने का। तो यहाँ पे अपन लेके आ चुके हैं, एंड यहाँ पे अपन जैंट को डिप्लॉय करेंगे, पीछे से बुड्ढे को डालेंगे, एंड बुड्ढे पे रेज स्पेल का यूज करेंगे, एंड साथ ही में एबिलिटी को यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो जैंट हमने डिप्लॉय करा एंड रेज डाला एंड एबिलिटी यूज करा। लेकिन यहाँ पे अगर अपन जैंट का साइज देखें तो मेरे को नहीं लग रहा है भाई कुछ भी साइज़ यहाँ पर डिक्रीज या फिर इंक्रीज हुआ है। जो साइज़ यहाँ पर बुड्ढे की एबिलिटी में आने से हल्का सा जो बढ़ा था ना जैंट का, वही साइज़ रहता है इसका। ऐसा तो कुछ नहीं हुआ कि मतलब यहाँ पर साइज़ डिक्रीज हुआ जैंट का, ऐसा तो कुछ नहीं मेरे को लगा। बाकी मेरे हिसाब से भाई द मिथ इज़ बस्टेड। बाकी आप लोग को अगर कुछ लगा ऐसा कुछ अलग तो कमेंट में बताना मेरे को, करेक्ट कर सकते हो आप लोग मेरे को। ओके गाइस, तो यार अभी बढ़ते हैं अपने फिफ्थ मिथ की तरफ, एंड ये वाला मिथ है इंडियन वॉरियर्स की तरफ से। इनका मिथ है व्हेन यू ड्रॉप 5 रेज स्पेल एट अ टाइम इट लुक्स लाइक टॉर्नेडो, भाई प्लीज ट्राई करना। तो यार चलो, अब भाई ने बोला है ट्राई करने का तो करने का। तो गाइस आ चुके वापस से एफसी में, एंड यहाँ पे इधर खोपचे पे अपन डिप्लॉय करेंगे, इस साइड से ही रहेगा। यहाँ पे अपन रेड स्पेल डिप्लॉय करते हैं 5 रेड स्पेल एक साथ। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 5 रेड स्पेल डाले, एंड अगर अपन देखे तो यहाँ पे देख सकते हो रिंगा रिंगा रोजेस चल रहा है, एंड यहाँ पे जो है टोर्नेडो जो हमारा उड़ता है ना भाई, जो गोल गोल घूमता है, वो यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ 5 रेस पेल अपन डिप्लॉय करें एंड वो देखने को अपने को मिल रहा है। लेकिन एक रेस पेल जो अपने पास बचा है उसको भी अपन इधर ड्रॉप करते हैं, एंड अगर अपन देखें तो भाई यहाँ पे भी हमें रिंगा रिंगा रोजेज एंड वो टोर्नेडो टाइप देखने को मिल रहा है, लेकिन वो हल्का देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो एक रेस पेल यूज़ करो, दो करो, या फिर भाई साहब 5-5 करो, देखने को तो मिलता है भाई ये टोर्नेडो वाला जो भी होता है। ठीक है, सो हाँ बोल सकते हैं द मिथ इज कंफर्म्ड। ओके गाइस, तो यार ये जो है सिक्स्थ मिथ आप बोल भी सकते हो, नहीं भी बोल सकते हो, क्योंकि यार देखो लास्ट वाला जो हमने मिथ एपिसोड बनाया था ना, उसमें मैंने एक आरसी वाली मिथ ट्राई करी थी, जिसमें कि मैंने लास्ट बिल्डिंग के ऊपर पहले इनविजिबिलिटी स्पेल ड्रॉप करा था, उसके बाद मैंने आरसी की शील्ड फेंक के मारी थी। लेकिन इस बार भाई ने बोला है कि यार आप ऐसे ना करो, आप पहले आरसी की शील्ड वाली जो एबिलिटी होती है ना, शील्ड फेंक के पहले मारो, उसके बाद फटाक से लास्ट बिल्डिंग के ऊपर इनविजिबिलिटी स्पेल ड्रॉप करो, फिर वहां पे अपने को देखना है क्या वहां पे आरसी की जो शील्ड है हवा में रुक जाती या फिर नहीं। क्योंकि यार सारे जो भी ट्रूप्स एंड हीरोज है ना, इनविजिबिलिटी स्पेल लास्ट बिल्डिंग में पड़ते ही भाई सारे के सारे भाई थम से जाते हैं, पॉज हो जाते हैं। तो क्या वहां पे शील्ड भी पॉज होगा या फिर नहीं, वही अपने को यहां पे चेक आउट करना है। तो चलो भाई चलते हैं अटैक पे एंड लेट्स चेक इट आउट। तो यार यहां पे आ चुके अपन एफसी में, एंड यहां पे मैंने कुछ आर्चर्स यूज करे ताकि यार ये जो बिल्डर हट है ना साइड में, इनको मैं क्लियर कर सकूं, ताकि यार जो सबसे ऊपर 12 o'clock में जो बिल्डर हट है वो अपना लास्ट बिल्डिंग बचे अटैक में। ठीक है, तो यहाँ पे अपन सबसे पहले इन सारी चीजों को क्लियर कर देते हैं बेबी ड्रैगन से, ये वाला भी क्लियर हो गया। अब जो लास्ट बिल्डिंग अपना बचेगा वो है 12 o'clock वाला बिल्डर हट। तो यहाँ पे फटक से इलेक्ट्रो ड्रैगन डिप्लॉय करते हैं एंड अटैक करते हैं जल्दी जल्दी फटक फटक। उसके बाद देखते हैं भाई लास्ट बिल्डिंग पे अपन सील्ड यूज करके, इनविजिबिलिटी स्पेल यूज करके, अगर मतलब जो भी अपने को करना है वो करेंगे तो भाई क्या होगा। तो गाइस यहाँ पे ऑलमोस्ट सारे बिल्डिंग्स टेक डाउन हो चुके हैं, यहाँ पे बची है अपने पास आरसी, जिसको अपन 6 o'clock पर डिप्लॉय करेंगे। यहाँ पे सील्ड फेंक के मारी है लास्ट बिल्डिंग में इनविजिबिलिटी स्पेल, एंड ये सील्ड जाके भाई लास्ट बिल्डिंग को हिट कर गई। मतलब यार देखो इनविजिबिलिटी स्पेल लास्ट बिल्डिंग पे अपन डालते तो सारे हीरोज एंड ट्रूप्स पॉज हो जाते, बट सील्ड को घंटा फर्क नहीं पड़ता, वो जाके उसको हिट कर ही देती है। ओके गाइस, तो यार ये है आज का हमारा 7th मिथ, एंड ये वाला मिथ है प्रकाश भाई की तरफ से, सो बिग शाउट आउट टू हिम। एंड इनका मिथ है अगर हम इनविजिबिलिटी स्पेल क्वीन पर डालते हैं तो उसका जो एरो होता है मोटा हो जाता है एबिलिटी के एरोस जैसा। अब एडिट को अपने को पढ़ने की जरूरत नहीं, तो पढ़ते सीधा एफसी में। सो गाइस यहां आ चुके हैं एफसी में, एंड यहां पे हमने क्वीन को डिप्लॉय करा, एंड यहां पे देख सकते हो अभी नॉर्मल एरोस फेंक रही थी वो, लेकिन जैसे ही इनविजिबिलिटी स्पेल पड़ता है ये थिक एरोस फेंकने लगती है, एंड जिनका कलर भी थोड़ा लाइटनिंग हो जता है। ठीक है, तो यहां पे देख सकते हो अभी भी नॉर्मल एरोस है, लेकिन अपन यहां पे इनविजिबिलिटी स्पेल, अरे यार ये तो बाहर निकल गई बावड़ी पूछ। चलो कोई नहीं, यहां पे डालेंगे वापस से, एंड ये देख सकते हो भाई इसके एरोस वापस से थिक हो गए एंड थोड़े लाइटनिंग कलर के हो गए। अब ये क्यों हो रहा है, क्योंकि यार देखो जब भी अपन क्वीन की एबिलिटी को यूज करते हैं तो क्वीन वहां पे इनविजिबल हो जाती है, वही कॉन्सेप्ट है भाई साहब। यहां पे इनविजिबिलिटी स्पेल अपन जब डालते हैं तो क्वीन इनविजिबल हो जाती है, जिसकी वजह से उसके जो एरोज होते हैं वो भी साथ से इनविजिबल निकलते हैं। ठीक है, सो गाइस वी कैन सी दैट द मिथ इज कंफर्म्ड। ओके, तो यार आज का जो 8th मिथ है वो अर्पित की तरफ से, एंड अर्पित का मिथ है द ड्रैगन ड्रॉप्स अ स्केलेटन इन अ ह्यूमन शेप व्हेन ही डाई इवन दो ही इज नॉट अ ह्यूमन। तो यार ये आप लोगों ने नोटिस करा होगा, साथ से कई लोगों ने नहीं करा होगा,
तो नहीं करा तो चलो ना यार आज कर लेते हैं। तो गाइस आ चुके हैं एप्सी में एंड यहाँ पे अपन ड्रैगन लेके आए एंड इसको एयर डिफेंस के पास ही अपन ड्रॉप करें ताकि यार ये जल्दी से शहीद हो जाए एंड अपन देख पाए इसकी जो आत्मा है वो किस तरह की निकलती है। ठीक है तो यहाँ पे देख लो ये मरने की कगार में आ चुका है और एक हिट और ये बूम खत्म। अब यहाँ पे देखो इस टाइप का ये इसका आत्मा जो है निकलता है। ठीक है लेकिन तो गाइस यहाँ पे अर्पित ने सिर्फ ड्रैगन कहा था बट हमने यहाँ पे सारे के सारे एयर ट्रूप्स लिए है। ठीक है तो यहाँ पे अपन चेकआउट करते हैं क्या होता है इसका सीन। तो यहाँ पे बेबी ड्रैगन मरता है एंड यहाँ पे देखो इसका भी जो आत्मा है वैसे ही निकला। अभी यहाँ पे इलेक्ट्रो ड्रैगन डिप्लॉय करेंगे एंड साथ से इलेक्ट्रो ड्रैगन का आत्मा नहीं निकलता, ये लाइटिंग इसकी आत्मा ना बिजली में ही खत्म हो जाती है, टूट फूट जाती है, दिखाई नहीं देती हम लोग को। तो चलो यहाँ पे लावा डाल के देखते हैं इसका आत्मा जो है भाई कैसा निकलता है। ठीक है तो ये देखो भाई लावा भी फूट चुका है, यहाँ पे देख सकते हो इसका भी जो आत्मा है उसी तरह का निकला। लावा पप्स तक के भी आत्मा जो है वैसे ही निकलता है। ठीक है तो यहाँ पे हीलर भी शहीद हुई उसकी भी आत्मा यहाँ पे वैसी निकली, यहाँ पे देख सकते हो मिनियंस भी वैसे ही निकला। ठीक है उसकी भी आत्मा तो ना सिर्फ ड्रैगन बल्कि सारे ट्रूप्स के वैसे ही होते हैं। ओके गाइस तो यार आज का जो नाइन्थ मिथ है ये आदित्य की तरफ से एंड ये वाला मिथ है अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपको मोहन से गाली पड़ेगी, वो भी आगे एसके बोल देगा। मैं क्यों बोलूं, मैं नहीं बोलेगा मोहन बोलेगा। मोहन देख आदित्य तेरे बारे में क्या बोल रहा है। अरे क्या हो गया, क्या बोल रहा है? अगर आपने ये हमारे बारे में अफवाह फैला रहा है इसके भाई इसको पकड़ो, ये हमारे बारे में झूठी अफवाह फैला रहा है, मेरा नाम खराब कर रहा है, इतना इज्जत जो हमने कमाई है। Wait a minute. Are you comedy me? बुरा लगता है भाई आप लोग भी जानते हो। तो यार मित्रों आज की वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये वाली वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई एंटरटेनिंग लगी तो जितना ज्यादा हो सके सभी के साथ शेयर करो, लाइक जरूर करना एंड कमेंट में अपने नए नए मिथ्स बताओ एंड साथ ही में भाई साहब जितना अच्छा रिस्पॉन्स इस वीडियो में आएगा उतना जल्दी हम लोग नेक्स्ट एपिसोड भी लाएंगे। तो यार जितना ज्यादा हो सके लाइक शेयर करो एंड चैनल पर कोई न्यू तो यार सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाकी गाइस मैं मिलता हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, पीस आउट।